नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज सत्यम इनक्लेव के ऊपर एक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कब साबरमती इनक्लेव का दर्शन उन लोगों को कराऊंगा। मैंने भी सोचा था कि साबरमती इनक्लेव में कुछ काम कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को उसकी एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कंसर्न था कि वहाँ पर कुछ मकान बने हुए हैं, कुछ एंट्रीज प्रॉपर एंट्री वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी लोगों को। तो ये सारी कंसर्न थे, बट मैं एक एश्योर कराना चाहता हूँ उन लोगों को कि जहाँ तक आप और हम लोगों की बात है, हमसे ज़्यादा प्राधिकरण बैठे हुए, थिंक टैंक बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी एक रूपरेखा, एक प्लानिंग करके बैठे हैं कि किस तरीके साबरमती इनक्लेव में काम होगा। और मैं जो आपको एक वीडियो दिखाऊंगा आने वाले अभी अगले कुछ सेकंड्स में, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी थी साइट में जाके, तो वहाँ पर काफ़ी काम शुरू हो चुका है। इनफैक्ट मुझे खुशी है कि मैं गलत साबित हुआ। मुझे भी लगा था कि साबरमती में थोड़ा काम स्लोली काम चलेगा, पर जो मैंने आज देखा, और मुझे खुशी भी है कि मैं गलत साबित हुआ इस मामले में, क्योंकि इससे पहले मैंने शिवम और सरस्वती के लिए मैंने लोगों को से कहा भी था कि आप पेमेंट प्लान 01 ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि आप डाउन पेमेंट में जा सकते हैं, और साबरमती में मैंने कोई अपनी राय नहीं दी थी। पर मैं अब कह सकता हूं कि आप 01 भी ऑप्ट करना चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, अपना पेमेंट प्लान चेंज कराना चाहें तो प्राधिकरण में रिक्वेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्राउंड में देखा है कि जो 72 मीटर्स वाले जो ब्लॉक है जिसके पीछे चक्रोड आ रही है, प्लॉट नंबर B122 से 147 के बीच में, तो वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने भी अपनी जो फेंसिंग थी पीछे की तरफ, अपने अपने प्रॉपर जो खेत है वहाँ पर उन्होंने फेंसिंग अपनी चेंज करें, नई फेंसिंग बनाने लग गए हैं, और सीवर लाइन का काम भी वहाँ पर इनफैक्ट शुरू हो चुका है, डल भी चुकी है वहाँ पर, और प्रॉपर रोड्स वगैरह मार्क्ड हो चुकी हैं। और कुछ काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि वहाँ पर बाउंड्री है कि नहीं है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने वहाँ पर बाउंड्री वॉल देखी है, लगभग 30% वहाँ पर बाउंड्री वॉल मैं देख चुका हूँ कि बाउंड्री वॉल बनी है, और पूछा तो बोलते हैं कि बाउंड्री वॉल बनेगी यहाँ पर। और प्राधिकरण का जो रामगंगा आवासीय योजना का है, मैंने उसके रूफ में भी जाके फोटो खींची, वो भी आप देख सकते हैं, और इसमें आपका कोई ऐसा कंसर्न नहीं है। आपने अपना काम कर लिया, आपने अपने अप्लाई कर लिया, आपको अलॉटमेंट्स हो चुके हैं, बाकी काम आप प्राधिकरण के ऊपर छोड़ दीजिए, वो पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और आप आज वीडियो जो देखोगे उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो देखिए, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। बट मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो और एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, जब थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो जाए, एंट्री मिल जाए, और जो प्रॉपर एंट्री 24 मीटर की 18 मीटर की है वो भी आपको अगले कुछ दिनों में नज़र आ जाएंगी। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।